उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री और बुलंदशहर के जिला प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया आज बुलंदशहर पहुंचे। प्रभारी मंत्री बनने के बाद अशोक कटारिया का आज पहला बुलंदशहर दौरा हुआ। अशोक कटारिया ने जिला पंचायत बुलंदशहर में जिले की योजनाओं की समीक्षा की व कुछ प्रस्ताव भी पास किए। इसके बाद अशोक कटारिया ने नुमाइश मैदान में लगे उधम समागम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का शुभारंभ किया। उधम समागम में जिले में बनने वाले अनेक उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया ने एक एक स्टॉल पर जाकर उत्पादों का जायजा लिया। सर तो ये देखने जाया था आपका जो काफिला आया आज, किसी ने भी ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, इवन आपके भी नहीं। मैं मानता हूँ कि सीट बेल्ट लगानी चाहिए सबको और सीट बेल्ट का उपयोग करना ही चाहिए। दूसरा ये कि देखा जा रहा है बार बार प्रस्ताव ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होगा। देखिए मैं विभाजन के इस सब दृष्टिकोण में ना तो मैं भूमिका में हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने भी नहीं है। सोशल मीडिया पे चलने वाली बहुत सारी बातें अनर्गल भी होती हैं और मुझे लगता नहीं। मंत्री जी आज की मीटिंग में क्या क्या हुआ? आज की मीटिंग बुलंदशहर के लिए जिला योजना समिति का रोड मैप तैयार करने के लिए थी, उसके लिए प्रस्ताव किया गया है और बुलंदशहर के नागरिकों के हित में क्या क्या जरूरी है उसके विषय में। कितने करोड़ के प्रस्ताव थे और कितने प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई? अलग अलग विभाग का अलग अलग टोटल जिला योजना की कितने के प्रस्ताव हुआ? जिला योजना की जो प्रस्तावना है वो आपको अभी उपलब्ध करा दी। मंत्री जी रोडवेज यहाँ बना है नई बिल्डिंग, वो अभी से गिराव हो रही है पीछे की दीवार वगैरह और लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं। मैं उसका निरीक्षण करूंगा, अगर ऐसा है उसको संज्ञान में। एक और मुद्दा है NRC का, इस पर आपका क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में NRC के संबंध में क्या प्रदेश सरकार नीति बनाने जा रही है? NRC एक केंद्रीय राष्ट्रीय विषय है और मैं मानता हूँ कि जो केंद्र सरकार की नीति है वही नीति उत्तर प्रदेश में लागू, उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी। मैंने कहा जो केंद्र सरकार की नीति है वही हमारी नीति है। अब आप ODOP का करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए। एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने अपने आने के बाद उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक नारा दिया, हर जिले के अंदर कोई ना कोई अपना उत्पादन है। कहीं बरेली में सुरमा बनता है तो कन्नौज में इत्र बनता है तो गुर्जा में कुछ बनता है, इसलिए उसको बढ़ावा देना, वहाँ के उद्योगों को बढ़ावा देना, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, वहाँ का मूल व्यवसाय विकसित हो, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हम भी उसको बढ़ावा देंगे। बुलंदशहर के सयाना हिंसा मामले का मुख्य आरोपी योगेश राज की प्रयागराज हाईकोर्ट से जमानत हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों सयाना बुलंदशहर हाईवे पर चिंगरावटी चौकी के पास गोवंश के कटान को लेकर हिंदू संगठनों ने जाम लगाया था। जाम खुलवाने को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज के विरोध में हिंदू संगठनों ने पत्थरबाजी की थी। उसी दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चली गोली से चिंगरावटी निवासी सुमित की हत्या हो गई थी। हत्या के बाद भड़के हिंसा ने भीड़ द्वारा चिंगरावटी चौकी में आग लगा दी थी। उसी दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो गई थी। बहराइच लखनऊ हाईवे पर पार्ले मिल चौराहा झुंगरी पुल पर एक मैक्स व मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना रिपोर्टर मेराज अहमद ने फकरपुर थानाध्यक्ष को फोन पर दी। सूचना पाते ही थानाध्यक्ष डालसो के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जख्मी व मृतक व्यक्ति को बहराइच जिला अस्पताल पहुंचाया। भैया आपका क्या नाम है, कहां के निवासी हैं और ये जो बहराइच लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है अभी किस चीज़ से हुआ है और कौन सा चौराहा है? ये पार्ले मिल चौराहा है, हम यहीं के निवासी हैं और मैक्स और मोटरसाइकिल से हुआ है। एक दर पे ख़त्म हो गया है, एक की सीरियस गंभीर है, हालत गंभीर है। पता कुछ लग सका कि ये व्यक्ति कहाँ के हैं? अभी तो पता नहीं लगा है, अभी अस्पताल जाके तब पता लगेगा कि कहाँ के हैं। इनको तुरंत 100 नंबर बुलाया गया है, 100 नंबर पे लाद के भेजा गया है। 108 आ नहीं पाई अभी तक नहीं पहुँची है।
और 100 नंबर पे लाद के भेज दिया गया है पखरपुर। पुलिस अधीक्षक बहराइच ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ बैठक कर उचित निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड को निर्देश दिया गया कि आने वाले दिनों में त्योहारों के दृष्टिगत धार्मिक स्थलों और बाजारों में महिलाओं का आवागमन रहेगा। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क रहें और नियमित रूप से लगातार ऐसे स्थानों का दौरा करते रहें ताकि इन घटनाओं की रोकथाम की जा सके। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आज एंटी रोमियो स्क्वाड जनपद बहराइच के साथ हमारे द्वारा डिस्कशन किया गया है, उनसे सूचनाएं प्राप्त की गई हैं और उनको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट्स में धार्मिक स्थानों पर महिलाओं का आवागमन रहेगा, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये सभी लोग अपना एक्टिव रहें, ऐसे स्थानों पर फ्रीक्वेंटली विजिट करें और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है या कोई अभद्र टिप्पणियाँ करता है तो उसको संज्ञान में ले, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। भिवंडी शहर में पावरलूम इंडस्ट्री पर मंदी की भारी मार पड़ रही है। भिवंडी शहर में पावरलूम कपड़ा उद्योग से हर जगह कपड़ा जाता है, अब इस इंडस्ट्री पर मंदी के दौर शुरू हो चुका है। 30% लूम बंद हो चुका है जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता ने भिवंडी शहर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रहमतुल्ला अंसारी से बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। मुंबई के करीब भिवंडी शहर है, आज हम भिवंडी शहर की जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं। रहमतुल्ला अंसारी है पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और इनकी एक संस्था है आदर्श सेवा भावी संस्था, जिसकी ये जो है एम्बुलेंस वगैरह चलाते हैं और लोगों को सुविधा देते हैं इस शहर के अंदर। अब आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि शहर की जनता के बीच आप जाते हो और यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ पर जो लूम चलता है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है उसके बारे में क्या कहेंगे रहमतुल्ला अंसारी, क्या कहेंगे आप ये जो भिवंडी शहर में लूम है, जो इस लूम से लोगों को रोजगार मिलता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार जब से आई है सबसे पहली मार तो नोटबंदी, दूसरी मार GST और तीसरी मार इकोनॉमिक, तो ये भिवंडी शहर इसको मिनी इंडिया का दर्जा दिया गया हिंदुस्तान के अंदर। शहर के हिंदुस्तान के हर स्टेट के हर गांव के लोग यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए आते थे और उनके सब परिवारों का पेट भरता था और अल्लाह के रहम करम से वो एकदम अच्छे से रहते थे। लेकिन उसके बाद में जो इनका बीजेपी का जो गवर्नमेंट आई है उसके बाद में इसके ऊपर इतनी ख़राब मार पड़ी है लूम के ऊपर से, जो कपड़ा मशीन है तो 30% लूम तो बंद हो चुके हैं, लगभग 30-40% बंद हो चुके हैं और बेचारे कारीगर जो लूम चलाने वाले मजदूर है वो तो उनका खुद का घर परिवार का पेट पाल नहीं पा रहे हैं, बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो ये सरकार हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लूम जो भंगार के भाव जा रहा है और वो जो लूम के जो सेठ लोग हैं, जो उनके सेठ लोग रहते हैं बेचारे, वो रोड के ऊपर आ गए भीख मांगने के आगर पे आ गए वो लोग। हमने देखा कि भिवंडी शहर के अंदर कुछ सेठ जो है लूम का कारोबार छोड़ करके कुछ और काम कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके का जो भिवंडी शहर पे मार पड़ गई है कि लोग इतना परेशान हो गए, अब आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार? मैं मेरे पार्टी की तरफ से संदेश देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को कि कम से कम आप लोगों को तो इतनी जानकारी होगी कि आज मजदूर तो मजदूर बेचारा भूखा मर रहा है, वो उनके जो सेठ है इनके पास 100 जोड़ी रूम है 50 जोड़ी रूम है, वो बेचारे ये देख रहे क्या करूं जो हमारे परिवार का पेट भर जाए। तो इसके लिए मैं केंद्र सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को ये बोलना चाहता हूं कि हमारा जो भिवंडी शहर जो मिनी इंडिया था उसके ऊपर कम से कम कुछ ध्यान दो, मेहरबानी करके उसको वापस से उस तरीके का बनाने की कोशिश किया जाए। तो ये थे रहमतुल्ला अंसारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के शहर अध्यक्ष, इन्होंने जो बताया। तो अब ये साफ होता है कि हमारी भी जानकारी के मुताबिक 30% लूम जो है भिवंडी शहर में बंद हो चुका है, 70% लूम चल रहा है लेकिन वो भी मद्दी के कागार पर है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या सरकार इस पर कड़ा कदम उठाएगी। कैमरामैन यार मोहम्मद रंगेज के साथ मुस्तकीम खान, CNN न्यूज़ भिवंडी। क्योंकि हमारा जो भिवंडी शहर जो
मेरे इंडिया था उसके ऊपर कम से कम कुछ ध्यान दो, मेहरबानी करके उसको वापस से उस तरीके का बनाने की कोशिश किया जाए। तो ये थे रहमतुल्ला अंसारी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के शहर अध्यक्ष, इन्होंने जो बताया। तो अब ये साफ होता है कि हमारी भी जानकारी के मुताबिक 30% लूम जो है भिवंडी शहर में बंद हो चुका है, 70% लूम चल रहा है लेकिन वो भी मद्दी के कागार पर है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या सरकार इस पर कड़ा कदम उठाएगी। कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, CMN न्यूज़ भिवंडी।